बिहार के नतीजों पर पूरे देश की नज़र है। पिछले बार की तरह मामला फंसता दिख रहा है। पिछले बार एनडीए गठबंधन जीत रहा था, बाद में पाला पलट जाता। इस बार सुबह में बैलेट, जब पोस्टल बैलेट निकल रहा था तो आरजेडी की में खुशी थी, अब मामला फिर से पलट रहा है। अभी 127 अटक रहा है। रात 8 बजे तक मामला हुआ, लेकिन मैं आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लोगों का जमावड़ा आ गया है, मीडिया भी काफ़ी संख्या में, और उसके कार्यकर्ता जो हैं वो आ गए हैं। और ये देखिए, क्या नाम है आपका? संजीव मिश्रा, बीजेपी काराकाट से हैं, रोहतास से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या एकदम कंफर्म है अभी तो मामला? देखिए, कंफर्म जब भगवान की अदालत में कंफर्म हो गया है, आज हनुमान जी का दिन है, हाँ, अब मंगल ही मंगल होगा। देख लीजिए, हनुमान जी का चित्र है। सीएम तो नीतीश कुमार तो अटक, तो सीएम कौन होगा? बीजेपी का होगा कि नीतीश होगा? देखिए, ये अपने केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता का क्या इच्छा? कार्यकर्ता जो नेता हमारे कहेंगे, और जो डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है उसको अक्षर से पालन एक एक कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। ये डिसिप्लिन बहुत है बताइए, लेकिन एक इच्छा तो होती है ना अंदर, मन में क्या है? न मन में यही है कि बिहार में हम एनडीए हैं 1996 से, और एनडीए रहेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी, आप लोग मतलब सीट जीत रही है बीजेपी ज्यादा, मुख्यमंत्री कौन होगा? सीट जीतने से निर्भर नहीं करता है, हमको बिहार का विकास देखना है। तो बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री, लोग तो कह रहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। बीजेपी बड़ी पार्टी है वो तो बात की बात है, लेकिन जो हमारा नेता जो गच के गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा। देखिए, ये बिहार है, ये ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी, जिसके बारे में आपने वादा किया वो करना, आप क्या लग रहा है यही होगा वादा? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर साइड है जी, गाड़ी आ रही है, मैं भी और कुछ लोगों से बात करूंगा, उनके कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? कार्यकर्ता नीतीश जी सीएम होंगे एकदम सर, अगर नीतीश जी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उससे भी ज्यादा कम सीट आता है तो भी हम लोग चरण क्या बोलते हैं उसको, वचन के पक्के हैं, और इसमें कोई इफ बट नहीं है कि अगर हमको 10 सीट या 20 सीट भाजपा को ज़्यादा आ जाए। हम लोग वास्तविकता है कि हम लोग भी बीजेपी के ही कैडर हैं, लेकिन 10-20 सीट भी ज़्यादा। तो चुनाव में कह रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कि हम नाराज, नीतीश जी से बहुत नाराजगी है, हम चिराग को वोट दे देंगे जहाँ जहाँ चिराग। बिल्कुल नहीं सर, वो वोट कटवा लोग कर रहा था, हम लोग बीजेपी के ही कट रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 20 सीट 30 सीट जितना सीट कम है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, त्याग का भावना के प्रति कि बिहार में। और कुछ लोगों से बात करवाते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पे दिख रही, उभर रही है, उसके कार्यकर्ता क्या कहते हैं वो देखते हैं, बात करते हैं। ये देखिए बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वो जय श्री राम के आसपास है। ये सुनिए। अच्छा भैया, एक बात बताइए, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नित्यानंद राय जी को बनाया जाए। नीतीश कुमार को नहीं पसंद करेंगे आप लोग? अब तो हाँ, तो बीजेपी जो पसंद करेगा वही हमारे उजियारपुर सांसद है नित्यानंद राय जी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं डॉक्टर नवेंदु सिंह बोल रहा हूँ, पातेपुर विधानसभा, इसलिए माननीय नित्यानंद राय जी को ही मुख्यमंत्री हम लोग अगर बना दें तो विकास का बिहार होगा। गृह राज्य मंत्री है, नीतीश जी को केंद्र में भेजा जाए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बातें शुरू हो गई है, और भी कुछ लोग सीरियस कार्यकर्ता है और बोलना चाहते हैं। माननीय नित्यानंद राय जी लौह पुरुष है, और जब से उजियारपुर लोकसभा में, मैं डॉक्टर नवेंदु सिंह पातेपुर विधानसभा क्षेत्र का हूँ, और उजियारपुर लोकसभा है, नित्यानंद राय जी विकास पुरुष है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है, बिहार में यही होगा। अरे मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी के कोटे से आएगा? तो ये कार्यकर्ता लोग है, बहुत हुजूम है, बहुत भीड़ है, और ये उत्साह है बीजेपी के पार्टी है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने के कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या बीजेपी नीतीश, ये बताइए, मास्क लगाए, क्या नाम है कार्यकर्ता है जी, क्या नाम हुआ? सुनो जा, तो अब क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश जी मान लेंगे आप लोग? हाँ, नीतीश कुमार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार है? बाप रे,
अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल ये है, क्या आप लोग मानेंगे? हाँ बिल्कुल मानेंगे, लेकिन सीट तो बीजेपी को ज्यादा आई है, लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप बीजेपी के खाते में आना चाहिए। ठीक है, सीट कम बेसी होते रहता है, ठीक है। नीतीश कुमार ने काम किया है, पहले भी गठबंधन का चेहरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? किशोर कुणाल। ये क्या लग रहा है, आप लोग की ज्यादा सीट आई है बीजेपी की, सीएम पर मान जाएंगे नीतीश कुमार? हाँ हाँ मान जाएंगे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। सही लग रहा है। हाँ, सही लग रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी का ये सख्त कहा हुआ है कि चाहे भाजपा की अधिक सीट आए लेकिन फिर भी हमारी मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री कौन होगा भाई? नीतीश कुमार होंगे, एनडीए की सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, मन में है ये, मन में है। नहीं नहीं, ये हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, ये पर पार्टी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो सर्वमान्य नेता होते हैं जिनका जैसा आदेश होता है वैसा ही पालन किया जाए। तो देखिए नारेबाजी शुरू है और उत्साह है बीजेपी खेमे में, लेकिन अभी सब कुछ साफ नहीं है। और लोग देखिए ये आ रहे हैं, ये असली एक बार बताइए सीएम कौन होगा बीजेपी के खाते में जाना चाहिए? होंगे हमारे एनडीए के नेतृत्व नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये लड़ाई हुई है। उधर कौरव थे, चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे थे, आप कह रहे थे बड़े भाई थे, बिहार का चेहरा हमारे नीतीश कुमार जी थे, वो हो सकता है सीट तो आप लोग की ज्यादा आ रही है। ज्यादा सीट से नहीं होता, हमने उन्हें माना। हमारे प्रधानमंत्री भी कहे कि नीतीश जी होंगे, हमारे अमित शाह भी कहे कि नीतीश जी होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे कि नीतीश जी होंगे। वादा के पक्का है आप लोग? पक्का वादा है, वादा जो किया वो निभाएंगे और उन्हीं का सुशासन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार है और पहले से ही कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार, जो तेज रफ्तार की, जो बिहार में जो गति देगी वो 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 ओ ओ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। चलिए तो और कोई है जो चाहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? हैं नहीं, जो सब लोग नीतीश पर सहमत हैं जी, सहमत हैं। ये बड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। बीजेपी को अब तक का जो रुझान आ रहा है उसमें ज्यादा सीटें आ रही है, आरजेडी दूसरे नंबर पे है, जेडीयू की सीटें तीसरे नंबर पे है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करें, आम लोग की बात करें तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए अमित शाह और मोदी ने वादा किया है तो सीएम नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नित्यानंद राय को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कल जायसवाल जी को, जो बीजेपी के अध्यक्ष और नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। देखिए क्या होता है, शाम तक बातें साफ हो जाएंगी। फिलहाल पार्टी दफ्तर में बीजेपी का उत्साह है, ठीक पिछले 2015 के चुनाव की तरह हो रहा है, जहाँ खुशी थी वहाँ गम दिख रहा है, जहाँ गम दिख रहा था वहाँ खुशी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवी अखबार पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, हवा हवाई बातें होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम का आप लोग दोष मत दीजिएगा। प्रियम पुष्पा बोली है कि उसका सारा वोट बीजेपी वाले ले लिए, आरजेडी। प्रियम पुष्पा बोली है भाई, आरजेडी नहीं बोली तो वही लोग बोलेंगे ना। प्रियम पुष्पा बोली है जो आपका समर्थन, कोई भी हो, मतलब एनडीए सरकार, एनडीए को छोड़कर कोई भी अगर हारता है तो बोलेगा ईवीएम का दोष है। चलिए ईवीएम पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए रजामंद दिख रहे हैं, लेकिन आवाजें उठ रही है कि बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, उस पर भी बात होगी। मैं बीजेपी दफ्तर से शंभू कुमार सिंह, कैमरामैन तारा दत्त के साथ, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।